नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइंस पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर को क्लीन करने के ऊपर। मोटरसाइकिल में बेसिकली दो तरह के ऑयल फिल्टर का यूज़ किया जाता है। पहला जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर, और आप सामने देख ही सकते हैं यही हमारा सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है। और दूसरा होता है पेपर ऑयल फिल्टर, जो कि मोटरसाइकिल्स में जो है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बाहर से ही इंस्टॉल किया जाता है और रिमूव किया जाता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है इसे हम क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जो पेपर ऑयल फिल्टर है उसे क्लीन नहीं किया जाता, उसे सिंपली रिप्लेस किया जाता है। इस ऑयल फिल्टर को सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से जो है वो फिल्टर करता है। और मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल में जितने भी कंटेमिनेट्स होते हैं, जैसे कि मेटल पार्टिकल जो कि गियर्स की वियर एंड टीयर की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और साथ ही में जो हमारे क्लच प्लेट पे जो लेदर लगा रहता है वहाँ से भी जो पार्टिकल्स निकलते हैं, वो सारे इंजन ऑयल में मिक्स होने के बाद में यहाँ पे जैसे ही इस फिल्टर में आते हैं, तो ये फिल्टर जो उनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से बिल्कुल इसके जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर में इकट्ठा कर लेता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक रिंग जैसी बन चुकी है, ये देखिए, और यहाँ पे इसके अंदर में भी ये देखिए, ये एक पेस्ट जैसा बन के यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और जो भी हमारा क्लीन ऑयल है, क्लीन इंजन ऑयल जो है, वो बिल्कुल इसके बिल्कुल सेंटर में एक होल होता है, वहाँ से होते हुए जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है उससे होते हुए पूरे इंजन में घूमता है। आपको सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर को हर 10,000 किलोमीटर पे क्लीन कर लेना चाहिए। अगर आप इसे टाइम से क्लीन नहीं करते तो ऐसे में आपकी मोटरसाइकिल की जो इंजन की लाइफ है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर को क्लीन करने के लिए आपको अपने मोटरसाइकिल के क्लच कवर को जो ओपन कर लेना है, और इसे ओपन करने से पहले इसके अंदर में जो भी इंजन ऑयल है उसे ड्रेन कर लें। इंजन ऑयल को ड्रेन करने से पहले आप अपनी मोटरसाइकिल के नीचे जो एक पैन रख लें, और उसके बाद में आपको जो अपने मोटरसाइकिल के लेफ्ट साइड पे आना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे जो है वो एक ड्रेन बोर्ड लगा रहता है। तो ये देखिए, मेरे केस में ये बिल्कुल साइड पे लगा हुआ है, और हो सकता है कि आपके केस में जो वो फ्रंट में लगा हो या कहीं बिल्कुल बॉटम पे लगा हो, तो आप जो फिगर आउट कर लीजिएगा। और इसे जो ओपन करने के लिए आपको जो एक सॉकेट की ज़रूरत होगी, मेरे केस में ये 17 mm का है, और हो सकता है कि आपके केस में जो इस ये 18 mm का हो या 16 mm का हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो इसे ओपन कर लें और अपने इंजन ऑयल को जो ड्रेन कर लें। इंजन ऑयल कम्प्लीटली ड्रेन होने के बाद इसका जो ड्रेन बोल्ट है इसे लगा के आप टाइट कर दें। क्लच कवर को ओपन करने के लिए इसके ऊपर में जितने भी 8 mm के बोल्ट्स लगे हैं, इन सभी बोल्ट्स को जो ओपन कर लेना है, और साथ ही में क्लच केबल को रिमूव कर लेना है। और जो इसकी किक है, यहाँ पे जो फुट रेस्ट लगा रहता है, और इसका जो ये फुट पैडल है, ब्रेक पैडल है, इसे भी ओपन कर लेना है। इन सभी में जो वो 12 mm के जो बोल्ट्स लगे रहते हैं। क्लच कवर को रिमूव करने से पहले इसके ऊपर में अगर कहीं पे भी लूज धूल मिट्टी है तो उसे जरूर क्लीन करिएगा, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि बाद में वो धूल मिट्टी जो है आपके इंजन में चली जाए। और कई बार जो ये हमारा क्लच कवर है ये बहुत ज़्यादा टाइटली यहाँ पे इसकी जो गैसकेट है इसके साथ में चिपका रहता है, तो ऐसे में आपको एक प्लास्टिक हैमर लेना है और इसे जो वो इसकी साइड्स पे जो इस तरह से आपको टैप करना है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपका जो ये क्लच कवर है ये लूज हो जाता है, और दूसरा जब इसे आप रिमूव कर रहे हो तो इसकी जो गैसकेट है वो डैमेज नहीं होती है। इसके बाद आपको जो है सिंपली इसका जो क्लच कवर है इसे होल्ड करके, इसे थोड़ा सा विगल करके धीरे धीरे जो बाहर की तरफ को खींच लेना है। आपको ये बिल्कुल धीरे से करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, वरना आपकी जो ये किक शाफ्ट की यहाँ पे ऑयल सील लगी रहती है ये भी डैमेज हो जाती है कई बार। बिल्कुल धीरे से इसे निकाल लेना है, और इसे रिमूव करने से पहले आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसके नीचे में एक पैन यहाँ पे रख दें, क्योंकि थोड़ा बहुत इंजन ऑयल जो यहाँ से भी लीक होता है इसे ओपन करते टाइम में। तो ये रहा हमारी मोटरसाइकिल का सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर, और इसे क्लीन करने के लिए आपको जो इसका ये आउटर कवर है इसे ओपन करना पड़ता है। और इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्क्रूज दिए हैं, इन्हें ओपन कर लेना है। और इन्हें ओपन करने से पहले जो आपको दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो इसका जो ये स्क्रू ड्राइवर है आपको इस तरह से ही इसे चूज़ करना है कि ये प्रॉपरली इसमें फिट हो, और दूसरा ये कि जब आप इसे ओपन कर रहे हैं तो इसे आपको अंदर की तरफ को जो है वो जोर लगाना है, और फिर इसे धीरे धीरे जो ओपन करने की ट्राई करनी है, क्योंकि अगर आप इसे एकदम से ऐसे ही रोटेट कर देंगे तो इसका जो ये हमारा स्क्रू है ये स्ट्रिप हो सकता है। इसके बाद में इसका जो आउटर कवर है इसे धीरे से आप निकाल लें, इसके बीच में से जो वो थोड़ा बहुत इंजन ऑयल निकलता है तो इसका भी ध्यान रखें।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस ऑयल फिल्टर की हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये देखिए इसके जो वॉल्स हैं, साइड की वॉल है, इसके ऊपर में जो मेटल पार्टिकल्स हैं उनकी एक लेयर जैसी बन चुकी है और ये एक रिंग फॉर्म कर चुकी है। तो मैं आपको इसे जो निकाल के भी दिखाता हूँ। इसके पीछे का कारण यही है कि इसे जो है वो टाइम से क्लीन नहीं किया गया है और इसीलिए ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा थिक लेयर बन चुकी है। ये देखिए इसकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखिए कितना ज़्यादा गाड़ी जो इसमें से ये लेयर निकल रही है और ये सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो मेटल पार्टिकल्स अंदर में निकलते हैं वो सारे इसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये एकदम पेस्ट में बदल जाएगा। तो इसे आपको इसी तरह से क्लीन करते जाना है। ये देखिए अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा लेयर लगी हुई है। ये देखिए तो आपको इसी तरह से इसे क्लीन करते जाना है। आपको एक क्लॉथ लेना है और इस क्लॉथ को यहाँ पे इस तरह से इस एरिया को वाइप कर देना है। और अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इस पे जो चिपक चुका है तो आप इसे ओपन करके भी क्लीन कर सकते हैं। ओपन करके आप इसे आसानी से जो पेट्रोल के साथ में क्लीन कर पाएंगे। आपको सिंपली इस क्लॉथ में जो है वो एक स्क्रू ड्राइवर लगाना है और इस तरह से अंदर से भी इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लें। और साथ ही में यहाँ पे ये जो इसकी कैप है इसे भी क्लीन करें। यहाँ पे इसकी गैसकेट लगी रहती है तो अगर मैं देखूँगा कि अगर इसकी गैसकेट सही है तो इसे ही यूज़ करेंगे, नहीं तो इसकी जगह नई गैसकेट लगा देंगे। इस गैसकेट को भी आपको जो है वो क्लीन करना चाहिए। ये देखिए इसका क्या हाल है यहाँ पे भी। तो इसे आप चाहें तो पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हैं क्योंकि ये मोटरसाइकिल के बाहर है। और अगर आप चाहें तो इसे भी पेट्रोल से क्लीन कर सकते हैं लेकिन आपको एक स्प्रे जो बोतल होती है उसमें पेट्रोल लेना है और साथ में अपनी मोटरसाइकिल को जो टिल्ट करके रखना है और सिर्फ इसमें ही स्प्रे करते करते इसे जो क्लीन कर सकते हैं आप। लेकिन इसे डायरेक्टली यहाँ पे क्लीन ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये डर्टी लगता है तो आप इसे ओपन करके क्लीन करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेंट्रिफ्यूगल ऑयल फिल्टर को जो अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और इसकी जो ये आउटर कवर या कैप जो आप कुछ भी कह लें इसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और जो इसकी गैसकेट थी पुरानी वाली उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो मैं जो एक न्यू गैसकेट ले आया हूँ और इसे मैं इसमें इंस्टॉल कर दूंगा। और बेटर रहता है कि आप जो गैसकेट है उसे चेंज कर लें अगर इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो। और इसके बाद मैं आपको जो इस कैप को जो सिंपली यहाँ पे लगा देना है इसके जो होल्स हैं इन्हें मैच करते हुए। और इसके बाद में हमारे जो ये हमने तीन यहाँ से स्क्रूज निकाले थे इन स्क्रूज़ को लगा के आपको टाइट कर देना है। इसके बाद में आपको जो है क्लच कवर को वापस से लगा देना है और यहाँ पे ध्यान देना है कि इसकी जो ये दो डाउल पिन है ये यहाँ पे लगी हुई हैं या नहीं। और साथ ही में इसकी जो गैसकेट है उसे भी इंस्पेक्ट कर लेना है क्योंकि मेरे केस में तो गैसकेट बिल्कुल सही है और अगर आपके केस में ये कहीं से डैमेज हो तो इसे भी आपको रिप्लेस कर लेना है। और यहाँ पर ये जो हमारा क्लच रिलीज बेयरिंग लगा रहता है इसे जरूर ध्यान दें क्योंकि ये कई बार जो यहाँ से निकल जाता है। और आपको जो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी किक शाफ्ट है इसके साथ यहाँ पे इसे लगाना है और मैचिंग करते करते इसे जो वो बिल्कुल धीरे धीरे आपको जो वो इंसर्ट कर देना है। और ये देखिए ये काफ़ी आसानी से अपनी जगह पे बैठ चुका है। मेक श्योर ये प्रॉपरली अपनी सीट पे हो। और उसके बाद में इसके जितने भी ये बोल्ट्स हमने निकाले थे ये सभी बोल्ट्स जो वो लगा के हम टाइट कर देंगे। और इन्हें टाइट करने के लिए जो आप पहले क्रिस क्रॉस वे में इन्हें टाइट करें, पहले इसे टाइट करें फिर इसका जो ये अपोजिट है इसे टाइट करें, देन इसका जो ये यहाँ पे अपोजिट है इसे टाइट करें फिर इसे टाइट करें। और ऐसे ही करते करते इन सभी बोल्ट्स को जो टाइट कर लेना है। और इसकी जो हमने यहाँ पे किक शाफ्ट और यहाँ पे हमारा जो फुट फुट रेस्ट था और जो इसका जो हमारा ब्रेक पैडल था वो भी हमें वापस से इंस्टॉल कर लेना है। सब कुछ असेंबल होने के बाद में आपको जो इसमें न्यू इंजन ऑयल डाल देना है और आपका जो प्रोसेस है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने मोटरसाइकिल के सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर को जो क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।